मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। इस पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित भी कैसे कर सकती है, अमरवाड़ा की जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि अब वे परिवारवाद की बेड़े में नहीं फंसने वाले हैं। ये देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करेगी भी कैसे, वहां की जो ठेकेदारी कांग्रेस की जिन पर थी, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, उन दोनों को जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि अब परिवारवाद की बेड़ियों में छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा नहीं जकड़ा जाएगा। वहां की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब बताता है कि छिंदवाड़ा अमरवाड़ा की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस की जमानत जीतेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।